हेलो फ्रेंड्स, इस मार्केट के गिरावट में और वॉलेटिलिटी में हमें ऐसे शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका दिसंबर क्वार्टर अच्छा आया है और जिनके ऊपर वॉर का कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है, एग्रीकल्चर बेस्ड है और उसके कारण उसमें फर्टिलाइज़र की डिमांड हरदम बनी रहेगी। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ GNFC के बारे में, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसका दिसंबर क्वार्टर भी शानदार आया था और फ्राइडे को ये अप गया था 7.5%। फ्रेंड्स, इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 546 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 580 रुपीज़। फ्रेंड्स, ये कंपनी फर्टिलाइजर्स बनाती है एंड स्पेशलिटी केमिकल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका पी है 6 का, जो कि बहुत ही अच्छे पी पे अभी मिल रहा है। EPS है 88 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, लुकिंग एट द रेट ऑफ ओनली 500 रुपीज़। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 0, कंपनी पे एक पैसे का भी डेट नहीं है। इसका बुक वैल्यू है 420 रुपीज़ और इंट्रेंसिक वैल्यू है 730 रुपीज़ एंड ग्राहक नंबर है 910 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं 500 का शेयर्स है जबकि इंट्रेंसिक वैल्यू है 730 एंड ग्राहक नंबर है 910 रुपीज़। इसका प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास है 41%, FII का होल्डिंग है 17% एंड DII का होल्डिंग है 6.60%। तो FII DII का होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा है GNFC के अंदर, ये बात आप ज़रूर नोट करना। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 20 में प्रॉफिट था 240 करोड़, सितंबर 21 में प्रॉफिट हो गया 282 करोड़ एंड दिसंबर 21 में प्रॉफिट हो गया 538 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर दोनों टाइप के हिसाब से डबल का प्रॉफिट दिया है GNFC ने। तो अभी मार्केट की गिरावट में आप थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं, मार्केट चलेगा तो ये शेयर भी रॉकेट बनकर भागेगा फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ तो 7.5% से अब दिखाया इसने, तो इसीलिए यह शेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाय आउट डिप के स्ट्रैटेजी से आप GNFC के शेयर्स को थोड़ा थोड़ा बाय करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मार्केट चलेगा तो ये शेयर अच्छा रनअप दिखा सकता है और आप भी GNFC के बारे में स्टडी करके डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।